गोंडा कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 9 मई स्थान दुखहरण नाम मंदिर पर शारदा कांत पांडे विभाग संयोजक बजरंग दल के नेतृत्व में बजरंग के पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। सनातन विरोधी राष्ट्र विरोधी कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक कर विरोध किया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से हिंदू जनमानस में कांग्रेस के प्रति विरोध में गोंडा जनपद में सभी विकास सभी नगरों में हनुमान चालीसा का पाठ तथा कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका गया। बजरंग दल सनातन धर्म रक्षा राष्ट्रीय रक्षा तथा देश में किसी भी प्रकार संकट आने पर बजरंग दल हमेशा निष्ठा पूर्वक समाज की सेवा करती रहती है। बजरंग दल पर कोई सवाल उठाए कतई बर्दाश्त नहीं, आवश्यकता पड़ी तो यह विरोध प्रदर्शन आगे तक चलेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित धर्मेंद्र सिंह प्रांत समरसता प्रमुख विश्व हिंदू परिषद कमलेश मिश्रा ब्रजेश सुनील दुबे देव नारायण राजन रवि मोदनवाल भोलानाथ सोनी राजेश शर्मा मुकेश गोस्वामी दिनेश किशोर ठक्कर मनोज विजय सिंह आनंद वर्मा पंकज विजय गोपाल सनी आकाश सागर और राजदीप मनीष प्रिंस आदि सैकड़ों बजरंगी उपस्थित रहे। बजरंग दल को बैन करने का जो प्रस्ताव रखा गया है उस संदर्भ को रखते हुए हम लोग पूरे देश में बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बजरंगी साथी हर चौराहे पर हर नगर में इनका विरोध कर रहे हैं और जिस स्तर से हो सकेगा उस स्तर तक कांग्रेस का हम लोग विरोध करेंगे। ऐसी दूसरी मानसिकता रखने वाली पार्टी का हम विरोध करेंगे जो राष्ट्र विरोधी। देखिए बजरंग दल जो हमेशा अच्छे से अच्छे काम करने में सबसे ज्यादा उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए सदैव बजरंग दल हमेशा आगे रहता है। यही को देखते हुए जो देखिए राक्षस है वो कांग्रेसी जैसे हर युग में राक्षस थे इस भी युग में कांग्रेसी राक्षस है। राक्षस के रूप में बजरंग दल को बैन करने की जो चेष्टा रख रहे हैं इससे पूरा हिंदू जनमानस में आक्रोश है। तो वो काम होने विधानसभा में वहाँ जारी किया ना कि पूरे प्रदेश के लिए? हम कह रहे बजरंग दल को पूरे देश में उन्होंने कहा है कि हम प्रतिबंध करेंगे तो कहीं भी किया जाएगा वहाँ पे। वहाँ देखिये वहाँ पे हमारे बजरंग बली का जन्म भूमि का स्थान है और बजरंग बली पे प्रतिबंध बजरंग दल पे है प्रतिबंध। बजरंग दल पे अगर प्रतिबंध है तो सब जगह पर विरोध होगा, हर जगह विरोध, हर एक कार्यकर्ता कहीं भी विरोध होगा तो हर जगह विरोध। आज हमने पुतला फूंका है किसका पुतला फूंका? हम कांग्रेस सरकार की उनकी पार्टी का उनके उनके विचारधारा का पुतला फूंकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने किया है कि उनकी विचारधारा को हनुमान जी सही सद्बुद्धि दें।